Good morning, students. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about working with Flash CS6, part 2nd of chapter number 8, class 7. Student, you know very well what is Flash. तो फ्लैश के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हम एनिमेशन एनिमेटेड जितने भी कार्टून्स होती हैं, एनिमेटेड मूवीज होती है, वो सब किसके द्वारा क्रिएट की जाती हैं, एनिमेशंस के द्वारा। और एनिमेशंस किससे बनाएंगे हम, फ्लैश से। ओके, नाउ पार्ट वन जब हमने फ्लैश डिस्कस किया था तो उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैश, ये जो टॉपिक था, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लैश यानी कि फ्लैश के जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट use various tools of flash cs6, edit the objects and create animation in flash. Now editing objects means particular किसी भी object के ऊपर editing करना, editing से means उसको cut करना, copy करना, paste करना और move करना, ये सब क्या होता है, editing। ठीक है, तो particular हमने कोई object बनाया, कोई पिक्चर बनाया, और उस पिक्चर में यदि हमें कट करना है, उसको कॉपी करना है, मूव करना है या पेस्ट करना है, तो वो सब किसके थ्रू होगा, एडिटिंग के थ्रू। मीन्स पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। व्हेन यू ड्रॉ एनी शेप इन फ्लैश यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म, रोटेट, कॉपी, फ्लिप एंड मूव इट विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स एंड ऑप्शन। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट। टू एडिट एन ऑब्जेक्ट first we have to select it, to select an object follow the given steps। yes student, आपने देखा है जब हम बात करते हैं MS Word की या और कोई सॉफ्टवेयर की, हम MS Word की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर आपको जब भी कोई टेक्स्ट या आपने कोई जैसे कुछ लिखा हुआ है, जैसे माई कंप्यूटर, अब माई कंप्यूटर को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग करनी है, मीन्स उसको पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो उस टाइम पे आप किसका यूज करेंगे, सेलेक्टिंग, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो उसकी स्टेप्स हैं, नाउ क्लिक द सेलेक्शन टूल और प्रेस वी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट सेलेक्शन टूल, देन ड्रैग द माउस पॉइंटर अराउंड द ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है उस पूरे ऑब्जेक्ट पे। यू विल नोटिस अ रेक्टेंगुलर सेलेक्शन बॉक्स, तो आप देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे एक रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। सेलेक्ट द इमेज और इमेज पोर्शन एंड रिलीज द माउस बटन। आपको कंप्लीट जित पूरी इमेज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में माउस के बटन को छोड़ देना है, ठीक है, रिलीज करना है। द ऑब्जेक्ट विल बी सेलेक्टेड, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जो सेम टास्क हम MS Word में करते हैं वही टास्क हमें किसमें करना है, फ्लैश में, यूजिंग माउस। माउस के थ्रू हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और फिर जैसे वो सेलेक्ट होगा मीन्स आपको उसके ऊपर एक बॉक्स दिखने लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड इज रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट। रोटेटिंग मीन्स पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को अपने ही पॉइंट पे आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, मीन्स उसको मूव करेंगे, ठीक है, घुमाएंगे। नाउ टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मीन्स जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, चाहे उसको रोटेट करना है, कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टास्क क्या है आपका, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट मॉडिफाई मेन्यू, देन गो टू मॉडिफाई मेन्यू। आपको मॉडिफाई मेन्यू में जाना है, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म, और उसमें रोटेट एंड स्क्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। द ऑब्जेक्ट हैंडल्स अपीयर, तो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या दिखेगा, एक हैंडल शो होने लग जाएगा। नाउ ब्रिंग द कर्सर एंड एनी कॉर्नर हैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंटर चेंज टू रोटेट हैंडल। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पे जाना है और वहां पर क्लिक करना है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होने लग जाएगा। ड्रैग दिस हैंडल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट, क्लिक आउटसाइड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द रोटेशन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी सी लर्न आउट, ये देखो स्टूडेंट, ये जो लाइट में दिख रहा है पीछे, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है, तो ये लाइट में जो आपको दिख रहा है बैक साइड में, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी।
और ये जो आपको दिख रहा है एक गोल्ड ये सर्कल टाइप सा, ये है रोटेट हैंडल। तो आप अपना माउस का जो पॉइंटर है वो उसके ऊपर लेके जाएंगे और जैसे ही माउस के पॉइंटर को अप एंड डाउन करेंगे तो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ये भी क्या होगा, रोटेट होगा माउस के अकॉर्डिंग। यदि आप अप लेके जा रहे हैं तो ये रोटेट कहाँ हो जाएगा, अपसाइड में। मैं डाउन लेके गया तो ये क्या हो गया, डाउन साइड पे रोटेट हो गया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। अब पर्टिकुलर क्या करना है, आपको कॉपी करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है। नाउ टू कॉपी एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू कॉपी बाय यूजिंग सेलेक्शन टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करने के लिए भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है यूजिंग सेलेक्शन टूल। सेलेक्ट कर लिया, नाउ क्लिक एडिट मेन्यू। तो आपको कहाँ जाना है, उसके बाद में एडिट मेन्यू पे जाना है और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। नाउ क्लिक द स्टेज वेयर यू वांट टू पेस्ट द ऑब्जेक्ट। फिर आपको जहां भी स्टेज पे उसको पेस्ट करना है वहां क्लिक करना है। सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम एडिट मेन्यू, फ्रॉम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विल गेट पेस्टेड। ओके, नाउ ये देखिए स्टूडेंट, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था। ओके, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं एडिट मेन्यू पे जाता हूँ और वहां से कॉपी ऑप्शन को चूज करता हूँ। ओके, देन अब मुझे, अब मेरा ये एक पार्ट क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब मुझे इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉपी करना है, तो यहाँ पर जाके जैसे ही मैं इसको कंट्रोल प्लस वी करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था ऐसा कहीं ऐसा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कॉपी में क्या होता है, आप पर्टिकुलर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर दिया। तो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था एंड देन ये जो है इसको हम बोलेंगे कॉपीड ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड वन इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूविंग। आप बोलते हो सर कॉपी भी तो करा था, मूविंग में क्या डिफरेंस है। तो कॉपी में तो क्या होगा, आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो है, बट आपने नंबर ऑफ कॉपीज बना दिए उसके, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ कॉपीज शो होने लग जाएंगे और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, शो होगा। बट मूविंग में क्या होगा, पर्टिकुलर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कराएंगे, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से आपने उसको ड्रैग करते हुए आप जिस पोजीशन पे आप उसको सेट करना चाहते हैं वहां पर ले गए, तो आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फाइनली पोजीशन पे दिखेगा और जो ओरिजिनल उसकी जो पोजीशन थी वो क्या हो जाएगी, वहां से वो हट जाएगा। नाउ टू मूव एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, फर्स्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सेलेक्शन टूल, यू विल सी अ फॉर हेडेड एरो, क्लिक द ड्रैग दिस टू मूव द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू पोजिशन, आफ्टर ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट टू द न्यू लोकेशन रिलीज द माउस। ओके स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रीवियस लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये जो आपको लोकेशन दिख रही है, पहले जो आपका ऑब्जेक्ट था यहाँ पर था, आपने माउस से इसको ड्रैग किया, माउस को आपने माउस पे क्लिक किया और राइट क्लिक को आपने प्रेस किया और इसको जहाँ आपको लेके जा रहा है वहाँ उस माउस से मूव किया। सपोज मुझे ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे लाना है, न्यू पोजीशन है इसकी, और जैसे यहाँ लाऊंगा तो माउस को क्या कर दूंगा, मैं रिलीज कर दूंगा। तो जैसे आप माउस को रिलीज करोगे तो अब जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको न्यू पोजीशन पे शोन लग जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने आपको जो दिखाया है ये मैंने आपको इसलिए बता रखा है प्रीवियस लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ताकि आपको पता हो कि ये यहाँ पर पहले था अब यहाँ चला गया। बट जब आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, वाइट स्पेस आ जाएगा पूरा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, न्यू पोजिशन पे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। फ्लिपिंग मीन्स, फ्लिपिंग हम टू टाइप से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। नाउ टू फ्लिप एन ऑब्जेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, फर्स्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सेलेक्शन टूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड है कि आपको उस जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्शन टूल की हेल्प से सेलेक्ट करना है। देन स्टेप नंबर सेकेंड, सेलेक्ट मॉडिफाई, मॉडिफाई मेनू पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। तो आपको वर्टिकल उसको फ्लिप करना है या हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट विल बी फ्लिप्ड अकॉर्डिंग टू योर सेलेक्शन।
देन आउटपुट इज ये देखो, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी ओरिजिनल पोजिशन है। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, फ्लिप करना है हॉरिजेंटली, मतलब जस्ट जैसे हम इसको फ्लिप करेंगे तो जस्ट ये हॉरिजेंटली क्या हो गया, फ्लिप हो गया। पहले ये इस तरह से दिख रहा था, अब आपको ये कैसे दिखने लग जाएगा, इस तरह से मिरर इफेक्ट होता है जस्ट ऐसे। तो हॉरिजेंटली आपने करा तो आपको ये इस तरह से ये शो होने लग गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको फ्लिप कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। नाउ नेक्स्ट इज यस स्टूडेंट, नाउ वी सी अ प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल्स आपको क्या करना है, ओपन करना है फ्लैश। आपने फ्लैश ओपन किया तो फर्स्ट स्क्रीन आपको आपके लैपटॉप पे या आपके कंप्यूटर पे इस तरह से शो होगी। आपको इसमें से चूज करना है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। क्या चूज करेंगे आप, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 यहाँ पर जाना है एंड देन क्लिक। ये आपने क्लिक कर दिया तो इस तरह से मेरी फ्लैश की जो फर्स्ट विंडो है ये ओपन हो गई है। जो वाइट स्पेस है इसको बोलते हैं स्टेज, और इसी स्टेज पे आपको क्या करना है, वर्क करना है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। तो सेलेक्ट इन ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ टूल्स पैनल पे, आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं सारे टूल्स हैं। यहाँ पर आपको शेप पे जाना है और शेप में से आपने एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट किया और यहाँ ये देखो आपका माउस का पॉइंटर चेंज हो गया प्लस साइन में, एंड आपने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये कलर इसका आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको कलर दिख रहा है ब्लू, आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे। सपोज मुझे रेड कलर करना है, मैंने रेड कलर कर दिया, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर रेड हो जाएगा। पर देखो मेरा कलर रेड नहीं हुआ। तो कोई भी टास्क करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। तो हाउ टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो देखते हो कैसे सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ ऊपर जाओगे आपको एक ब्लैक कलर का एरो शो होगा, इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। यहाँ पर आप क्लिक करो तो ये देखो अब पर्टिकुलर यहाँ मैं इसके ऊपर आया, मुझे पूरा जो ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट करना है। अब माउस राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक को प्रेस करते हुए पूरा ड्रैग करता हूँ। पर्टिकुलरली ड्रैग किया, देखो इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स आपका शो हो गया। ओके, अब ये देखो आपका ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है अब वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके इसका कलर अब चेंज कर सकता हूँ। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया। नाउ सेकेंड इज रोटेट एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है। सेकेंड इज सेलेक्ट मॉडिफाई मेन्यू, तो गो टू मॉडिफाई मेन्यू। ये देखो ऊपर यहाँ पे इंसर्ट के जस्ट पास में आपको दिख रहा है मॉडिफाई मेन्यू। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाना है, नीचे ट्रांसफॉर्म। ये देखो आप ट्रांसफॉर्म में गए। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको टू ऑप्शन दिख रहे हैं, फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो मैंने किया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सॉरी ट्रांसफॉर्म से पहले हम देखेंगे, अभी हमें रोटेट एंड स्क्यू पहले हम देखेंगे, रोटेट एंड फ्लिप हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं रोटेट एंड स्क्यू। तो आप जैसे ही रोटेट एंड स्क्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखो इसके सारे जो पॉइंट्स थे वहाँ पर आपको क्या दिखने लग गए, बॉक्स दिखने लग गए ब्लैक कलर के। जस्ट आप यहाँ इस पे गए तो आपका जो माउस का पॉइंटर है वो जस्ट चेंज हो गया। आप क्लिक करेंगे किस पे, माउस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको जैसे आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ये आपका जो पॉइंटर है वो सॉरी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने लग जाएगा, रोटेट होने लग जाएगा। तो इस तरह से हम हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो देखो अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, रोटेट हो गया। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं इसको वापस अपनी जो पोजीशन थी उस पर लेके आ जाता हूँ, ये मैं इसकी पोजीशन पर लेके आ गया। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी करनी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आप जानते हैं कैसे करना है, फर्स्ट आप जाएंगे इस ब्लैक एरो पे और इस पे जाके आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैंने इसके ऊपर से ये सिलेक्शन हटा दिया, अब मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं एरो पे गया, एरो पे जाके मैंने इसको इस तरह से ये पूरा सेलेक्ट कर लिया ड्रैग करते हुए माउस से। अब मेरा ये सेलेक्ट हो गया, मुझे कॉपी करनी है तो माउस कीबोर्ड के थ्रू या तो आप एडिट ऑप्शन पे जाएं, एडिट ऑप्शन पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, आपने कॉपी पे क्लिक कर दिया तो अभी पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कॉपी हो गया।
देन अब आप उसको पेस्ट करना है किसी भी पोजिशन पे, तो आप एडिट पे जाएंगे और एडिट पे जाके एक आपको प्लेस बताना है। सपोज मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट इन सेंटर, पेस्ट इन प्लेस, तो आपने पेस्ट इन प्लेस ऑप्शन पे किया या पेस्ट इन सेंटर पे करोगे, या फिर कंट्रोल प्लस वी, आप कीबोर्ड के कंट्रोल प्लस वी करोगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आके प्लेस हो गया। अब मुझे यहाँ नहीं करना सेंटर में, मुझे इसको यहाँ पर कॉपी करना है, तो मैं यहाँ लेके आया माउस की हेल्प से, और इसको जैसे छोड़ूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, अब यहाँ पर कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम बोलते हैं कॉपी इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अब कॉपी हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा वो है मूविंग एन ऑब्जेक्ट, तो आपको सेलेक्ट करना है, आपने माउस से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो गया। अब आप इसको देखो, आप कहीं भी इसको मूव करा सकते हो, ये देखो मुझे यहाँ मूव कराना है, तो अब वो वहाँ से यहाँ पर मूव हो गया, यहाँ से मुझे कॉर्नर में लेके जाना है, तो मैं इस तरह से इसको क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है, कोई भी आपको इमेज बनानी है और उस इमेज को आपको क्या करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर मैं अभी यहाँ पर एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करना है। ये स्टूडेंट मैंने अब एक इमेज यहाँ पर, मैंने एक जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे गए और इसको, या आपने पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब हम करने हैं फ्लिपिंग एन ऑब्जेक्ट, तो फ्लिपिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है मॉडिफाई मेन्यू पे, मॉडिफाई मेन्यू पे जाके आपको जाना है ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई मेन्यू में आप गए और मॉडिफाई मेन्यू में आपने देखा ट्रांसफॉर्म, ये रहा आपका ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो मुझे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है, तो मैं गया इस पर, और अभी जो आपका जो शेप है इसको देखो, आपका शेप किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, तो मॉडिफाई, मॉडिफाई में ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में सिलेक्शन बिगड़ गया, सिलेक्शन आपका हट गया। आपको इमेज अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अभी आपका इमेज का जो फेस है इस तरह से, अभी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मॉडिफाई, मॉडिफाई में ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखो स्टूडेंट, तो पहले आपका इस तरह से था, अब ये क्या हो गया, इसका चेंज हो गया शेप। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को फ्लिप भी कर सकते हैं। ओके, एनिमेशन इन फ्लैश, ठीक है। सो स्टूडेंट हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ एनिमेशन इन फ्लैश। एनिमेशन रेफर टू वे ऑफ प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ रैपिड सिक्वेंस विद मोशन, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट करेंगे, ठीक है, या कोई डायरेक्शन बताएंगे, उस डायरेक्शन में वो क्या होगा, मूव होगा पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, एनिमेशन। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इमेजेस एंड शोइंग दैम वन बाय वन वेरी क्विकली। तो स्टूडेंट एनिमेशन में क्या होगा, पर्टिकुलर नंबर ऑफ इमेजेस होंगी और उन्हें हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्प्ले करेंगे वेरी क्विकली, तो आपको ऐसा लगेगा कि पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट्स। देयर आर टू मेथड फॉर क्रिएटिंग एन एनिमेशन इन फ्लैश, तो फर्स्ट इज मोशन ट्वीन एंड सेकेंड इज शेप ट्वीन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी मोशन ट्वीन। मोशन ट्वीन इज एन एनिमेशन इन विच मूवमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड। वी मूव एन ऑब्जेक्ट टू सम अदर प्लेस बाय फॉलोइंग पाथ। एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग मोशन ट्वीन इज एज फॉलोज। तो स्टूडेंट यूजिंग मोशन ट्वीन, मोशन ट्वीन का यूज करके हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड करते हैं और उसी पर्टिकुलर पाथ पे आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, मूव करता है। ओके स्टूडेंट, यस। तो आपको क्या करना है, ये आपका जो स्टेज है, ठीक है, फ्लैश का जो स्टेज है उस पर आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, स्टेप नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्लिक द इंसर्ट फ्रॉम मेन्यू बार एंड क्लिक द न्यू सिंबल और प्रेस कंट्रोल प्लस एट कीज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट इन टू सिंबल। तो गो टू इंसर्ट मेन्यू, आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेन्यू पे, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें एक जो फर्स्ट ऑप्शन है न्यू सिंबल, वो उस
उस पर आपको क्या करना है, माउस से क्लिक करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द क्रिएट न्यू सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स, एंटर अ नेम फ्रॉम द फॉर द सिंबल इन द नेम बॉक्स। तो यहाँ पर आपको एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बोलते हैं क्रिएटिंग न्यू सिंबल। इसमें आपको अपने सिंबल का नेम एंटर करना है, जो भी आपको करना है। अगर नहीं करना है, सिंबल वन, सिंबल टू, सिंबल थ्री बाई डिफॉल्ट आते हैं, आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे। नाउ स्टेप नंबर फोर, यूज द सेलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, सेलेक्शन टूल से आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक द इंसर्ट मेन्यू, देन फिर आपको कहाँ क्लिक करना है, इंसर्ट मेन्यू पे, और वहां आपको मिलेगा मोशन ट्वीन, देन क्लिक मोशन ट्वीन। तो मोशन ट्वीन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अ डायलॉग बॉक्स अपीयर, क्लिक द ओके बटन। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस पर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, जस्ट लाइक इट। इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आपको क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, ब्रिंग द पॉइंटर ऑफ माउस ऑन टॉप ऑफ द फिगर, अ फोर हेड एरो विल बी विजिबल, मूव द फिगर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्टेज टू क्रिएट अ पाथ, जस्ट लाइक दिस। आपको क्या करना है, सपोज आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो आपको जिस वे में या जिस पाथ में आपके ऑब्जेक्ट को मूव करना है, वहाँ आपको क्या करना है, आपके पॉइंटर से ड्रैग करना है। जैसे मैंने यहाँ से मेरे पॉइंटर को इस तरह से यहाँ पर लेके आया, तो पर्टिकुलर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और मुझे यहाँ पर एक ग्रीन कलर की इस तरह से लाइन शो हो गई है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मुझे शो हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे क्रिएट हुई, जैसे मैं माउस का पॉइंटर यहाँ लेके गया और मैंने उसको ड्रैग किया, तो इस तरह से मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो वहाँ से मूव होके कहाँ गया, यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर क्या ड्रॉ हो गई है, एक लाइन ड्रॉ हो गई है। इन द अबव फिगर द ग्रीन लाइन शो द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू चेंज द पाथ फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन टू अ कर्व लाइन बाई पुलिंग और पुशिंग द ग्रीन लाइन विद द माउस, फॉर यू कैन चेंज द शेप ऑफ द ग्रीन लाइन। सो स्टूडेंट, तो अभी ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आ गई, सपोज आपको कर्व लाइन लेके आनी है, तो आपको माउस का पॉइंटर यहाँ लेके आना है और इसको इस तरह से ड्रैग करना है, तो ये जो आपकी लाइन होगी वो कैसे हो जाएगी, कर्व फॉर्मेट में हो जाएगी। तो अब जो आपका पाथ होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, वो मूव किस में करेगा, कर्व पोजिशन में। बट अभी जो आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। नाउ इस तरह से यदि आप अपने माउस से इसको यहाँ माउस को पॉइंटर लेके आएंगे और इसको ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से आप कर्व शेप में भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। फ्रॉम द मेन्यू बार क्लिक द कंट्रोल, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, प्रेस कंट्रोल प्लस ऑल प्लस एंटर कीज। अब आपको पर्टिकुलर इस जो पोजीशन है या जो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसको मूव कराना है, आपके ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस Alt प्लस Enter की। ये जैसे आप की प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मूव होता हुआ डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल पैनल पे जाएं और यहाँ पर टेस्ट सीन, या तो आप ये कर दें, या फिर कंट्रोल प्लस Alt प्लस Enter, ये भी आप प्रेस कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। द अबव सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी अप्लाइड टू एनी शेप टू मूव इट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनादर। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, इन मोशन ट्वीन, तो हमने मोशन ट्वीन में देखा था कि पर्टिकुलर जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपको मूव कराना है, तो उसके लिए हम वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस पे मूव होगा, एक पर्टिकुलर पाथ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेप ट्वीन। टू लर्न अबाउट शेप ट्वीन वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम लाइन। तो स्टूडेंट, शेप ट्वीन को स्टार्ट करने से पहले हमें टाइम लाइन को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि पर्टिकुलर शेप ट्वीन जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम लाइन पे। तो पर्टिकुलर जब आप शेप ट्वीन स्टार्ट करते हैं, तो आपको बताना होता है कि आपको उसकी टाइम लाइन सेट करनी होती है। द टाइम लाइन ऑफ फ्लैश कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो स्टूडेंट, हमने पार्ट वन में डिस्कस किया था कि वॉट इज टाइम लाइन। तो टाइम लाइन क्या होती है, टाइम लाइन जस्ट आपको लो साइड में दिखेगी, डाउन में, और उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल बने होते हैं, और उन्हीं रेक्टेंगल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। ईच स्मॉल रेक्टेंगल्स होल्ड अ सिंगल फ्रेम। तो एक जो रेक्टेंगल होता है वो क्या करता है, एक फ्रेम को होल्ड करता है। फ्रेम्स आर प्लेड अकॉर्डिंग टू द FPS, फ्रेम पर सेकेंड। और जो फ्रेम होते हैं वो मूव करते हैं FPS के अकॉर्डिंग, फ्रेम पर सेकेंड।
FPS is 24 means in 1 second 24 such frames are played out of one after the other. तो FPS 24 यानी कि आप अपने फ्रेम को कहाँ लेके आ गए, 24 पे, 1 से 24 पे लेके आ गए. मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा कितना, एक सेकेंड में 24 फ्रेम्स. एक सेकेंड में कितना चल जाएगा वो, 24 फ्रेम उसको मूवमेंट हो जाएगा. अब ये कैसे होता है, लेट्स सी. अब हम शेप ट्यून कैसे करते हैं इसको देखते हैं. क्रिएट अ शेप, आपको क्या करना है, एक शेप क्रिएट करना है ऑन द फर्स्ट फ्रेम विच इज प्लेस्ड एट फर्स्ट इन द टाइम लाइन. तो आपको एक आपके स्टेज पे एक फ्रेम या एक शेप आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करा है. नाउ सेकेंड, सिंस वी विल यूज द 30 फ्रेम्स इन दिस एनिमेशन, वी नेक्स्ट क्लिक ऑन द 30th फ्रेम. तो नेक्स्ट आप कहाँ चले गए, पहले आप फर्स्ट पे थे, अब आप कौन से पे आ गए, 30th फ्रेम पे आ गए. 30 नंबर का जो फ्रेम था वहां पर आप आ गए. नेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द फ्रेम एंड क्लिक इंसर्ट की फ्रेम. यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है, न्यू की फ्रेम. तो जैसे आप न्यू की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो स्टेप नंबर थर्ड, सेलेक्ट द रेक्टेंगल शेप एंड डिलीट इट. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है. जैसे आप सेलेक्ट करोगे एक बॉक्स आपको शो होगा और यहाँ पर आपको, यहाँ आपने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया. नाउ अनदर ऑन द स्टेज, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट ओवल ऑन द 30th की फ्रेम. और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्टेज पे एक डिज़ाइन या एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है. सपोज मैंने यहाँ पे क्या डिज़ाइन कर दिया या क्या क्या पेस्ट किया है, रेक्टेंगल, ठीक है नाउ, या ओवल प्लेस कर लो आप, ओवल यहाँ पर डिसाइड कर लो. नाउ सेलेक्ट द की फ्रेम 20 एंड राइट क्लिक ऑन इट टू सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट शेप ट्विन. उसके बाद में आपको क्या करना है, जस्ट 20th फ्रेम पे आना है. आप कहाँ पर आ गए, 20 फ्रेम पे आ जाओ या स्टार्टिंग पे आ जाओ, जैसा आपको, जहाँ से आपको उसको मूव कराना है वहाँ पर आपको आना है. और उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके ऊपर शेप ट्विन अप्लाई कर दोगे. प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर कीज टू चेक द रिजल्ट of the created shape twin. और आपको आपको रिजल्ट देखना है कि पर्टिकुलर आपका शेप ट्विन हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर. इट विल प्ले फ्रॉम द फर्स्ट टू द 30th की फ्रेम. तो ये जो आपका फ्रेम होगा ये फर्स्ट टू 30 तक क्या करेगा, रन करेगा. और आपको दिखेगा कि पर्टिकुलर आपका जो ऑब्जेक्ट था वो मूव हो रहा है किसमें, जो आपने रेक्टेंगल बनाया था वो किसमें चेंज हो जाएगा, ओवल शेप में. तो आपको बार बार रिपीट होगा, पहले रेक्टेंगल बनेगा फिर ओवल शेप बनेगा, फिर रेक्टेंगल बनेगा फिर ओवल शेप बनेगा. तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा. जो आपने स्टेज पे जो शेप बनाया था वो शेप क्या हो जाएगा, आपको देखेगा चेंज होता हुआ. ओके, नाउ अब इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि इसको हम कैसे बना सकते हैं प्रैक्टिकली. तो मोशन ट्विन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोई भी आप इमेज ड्रॉ कर लें. मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मैंने एक मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. देन इसके बाद में आपको कहाँ जाना है, इंसर्ट मेन्यू पे, गो टू इंसर्ट मेन्यू, और इंसर्ट मेन्यू में आपको न्यू सिंबल पे क्लिक करना है. इस तरह से मैंने न्यू सिंबल पे क्लिक किया तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन हुआ, इसमें नेम लिखा हुआ सिंबल वन, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिंबल वन रखा और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर दिया. तो ये मेरा ओके पर क्लिक हो गया. नाउ अब ये देखो आपका सिंबल वन यहाँ पर क्या आ गया, आपका सिंबल वन, और सिंबल वन के जस्ट पास में क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन वन. तो आप स्क्रीन वन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको आपका ऑब्जेक्ट दिख गया. इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन टूल से. ये मैंने मेरे ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया, स्क्रीन वन पे जाके सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लिया. देन अब आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू पे, और इंसर्ट मेन्यू पे आपको दिखेगा मोशन ट्विन. तो मोशन ट्विन पे आपको क्लिक करना है. आपने क्लिक किया मोशन ट्विन पे, ये एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हुआ है, देन क्लिक ओके. अब देखो यहाँ पर आपका एक प्लस का साइन डिस्प्ले हो रहा है. अब आपको क्या करना है, या माउस से क्लिक करना है राइट क्लिक, और प्रेस करके रखना है राइट क्लिक को, और इसको इस तरह से मूव कराना है नीचे. आपने मूव करा दिया, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया. अब आपको क्या करना है, माउस को रिलीज़ कर देना है, माउस को छोड़ देना है. तो जैसे आपने माउस को छोड़ा, एक यहाँ पर ग्रीन लाइन आपको दिखी है. अब आपका जो ये मोशन ट्यून है कंप्लीट हो गया, और जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपका जो पाथ है वो यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा. आप पाथ की डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह से माउस को आप बीच में लेके गए
और माउस को प्रेस करके रखा राइट क्लिक को, और इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे तो अब जो आपका माउस है वो स्ट्रेट लाइन, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव ना होकर किस में मूव होगा, कर्व में मूव होगा। अब हमें इसको देखना है कि हम इसको कैसे मूव करा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, या तो कंट्रोल ऑल्ट और एंटर की प्रेस करोगे, कंट्रोल फिर ऑल्ट और फिर एंटर, ये देखो। तो इस तरह से अब आपका क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हो रहा है ये एक पर्टिकुलर पाथ में मूव हो रहा है, इसे हम बोलते हैं मोशन ट्वीन। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मोशन ट्वीन क्रिएट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें कौन सा करना है, शेप ट्वीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज एक्शन स्क्रिप्ट 3.0, ठीक है, स्टेज आ गया आपका। अब आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पर वही एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अभी मैं ये जो मेरा रेक्टेंगल है कौन से फ्रेम पे ड्रॉ हुआ है, फर्स्ट फ्रेम पे। अब मैं आगे चला गया 30th फ्रेम पे, तो यहाँ पर जाके मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं कौन से फ्रेम पे आ गया, 13th फ्रेम पे आ गया। यहाँ जाके आपको राइट क्लिक करना है, 30 पे जाके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पर आपको क्या क्रिएट करना है, इंसर्ट की फ्रेम। ये मैंने नया की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। अब जो मेरा पुराना ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ये मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर मुझे एक और नया ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक ओवल शेप जनरेट कर लिया, ये मेरा ओवल शेप जनरेट कर लिया, और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट पे तो मेरा क्या था, रेक्टेंगल था, और यहाँ पर मेरा एक ओवल बन गया 30th फ्रेम पे। अब मुझे वापस कहाँ पर आना है, फर्स्ट पे। मैं फिर फर्स्ट पे आ गया, तो मुझे मेरा फर्स्ट पे जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था वो शो हो गया। अब मुझे क्या करना है इसमें, शेप ट्वीन। तो मुझे कहाँ जाना है, हम लोग जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आपको दिख रहा है शेप ट्वीन, और यहाँ पर शेप ट्वीन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप शेप ट्वीन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे एक लाइन दिखेगी फर्स्ट और 30 फ्रेम के बीच में। ये मैंने शेप ट्वीन पे क्लिक किया, एक एरो साइन दिख गया फर्स्ट टू 30 पे, ठीक है, यानी कि अब मेरा जो शेप ट्वीन है वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको रन कराना है, तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल प्लस एंटर। नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, ये देखो। तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और ये किस में जा रहा है, फर्स्ट टू 30 फ्रेम पे। फर्स्ट फ्रेम पे मुझे दिख रहा है मेरा रेक्टेंगल शेप, उसके बाद में धीरे धीरे मूव होता हुआ किस में जा रहा है, ओवल में जा रहा है, और मुझे 13th फ्रेम पे ओवल डिस्प्ले हो रहा है, और ये बार बार क्या होता रहेगा, इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं शेप ट्वीन। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।